आदाब। उर्दू खबरों में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं नासिर राथर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मशरकी लद्दाख में LAC के उस पार बुनियादी ढांचा हुआ है तामीर। हम भी रफ्तार रख रहे हैं बरकरार, फजाया के सरबरा का बयान। असेंबली में 5 नामजद इरकान को नामजद करने का हक LG के बजाय हुक्मरान पार्टी को दिया जाए, कांग्रेस का मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में BJP से नहीं कर रही कोई राबता, पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार की वजाहत। कुलगाम के तालीम याफ्ता नौजवान ने सरकारी नौकरी के बजाय खुद रोजगार कमाने को दी तरजीह। फजाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा है कि मशरकी लद्दाख में LAC की दूसरी तरफ बुनियादी ढांचा तामीर किया जा रहा है। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत भी रफ्तार को बरकरार रखे हुए है। उन्होंने कहा कि न्योमा में नया हवाई अड्डा बनाया जा रहा है और मौजूदा सलाहितों को मजीद मजबूत किया जा रहा है। सो एज फार एज ईस्टर्न लद्दाख इज कंसर्न, द सिचुएशन रिमेन्स प्रैक्टिकली सेम एज इट इज बीन फॉर लास्ट 1 ईयर प्लस, एक्सेप्ट दैट वी सी द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर on the other side has been fairly rapid. We are trying to match up with that. We are also upgrading our airfields. There are new airfields which are coming up in area like Nyoma and all that, so that is being progressed and at a fast pace. We are also beefing up the capacities of the airfields which are already existing. Also there are plans to utilize the civil infrastructure. There are These ALGs which are available in the central sector, which are being, we are in touch with the state governments to either take over those or at least having assurance that they will be available for our operations. So this is how we are handling the situation as far as infrastructure is concerned. MRFA, the RFI was issued. We have got the response from everybody. We have made the requirements very clear. Now we are waiting for the response from the decision to be taken as to what route we will follow. At the moment we are going to follow the DAP 2020 route where the RFP will be issued and hopefully we'll get the response fast and we'll go ahead with this aircraft. So there is a requirement to have it make in India. That is something which we have very clearly stated in that the aircraft has to be made in India, and because of that the people who have to respond have to find an Indian partner and make it happen that way. जम्मू कश्मीर कांग्रेस का कहना है कि जम्मू कश्मीर असेंबली में 5 नामजद मेंबरान को नामजद करने का हक LG के बजाय सरकार बनाने वाली पार्टी या इत्तेहाद को दिया जाना चाहिए। पार्टी के तर्जुमान आला रविंदर शर्मा ने कहा कि अगर ऐसा नहीं जाता तो ये जमहूरी इकदार के मुनाफी कदम होगा। LG साहब नॉमिनेट करेंगे BJP के कहने पे, और फिर वो 5 लोग गिनती होगी मेजॉरिटी। मान लीजिए कि किसी के पास 46 8 तारीख को, अभी किसी को पता नहीं, लेकिन मान लीजिए 46 आती है या 47 आती है और दूसरी तरफ 43 आती है, तो जिसके पास 47 है 90 में से उसके पास 45 से ज्यादा लोग होंगे MLA, वो सरकार बना सकते। अगर सरकार बनाने से पहले 5 लोग नॉमिनेट करके तो वो 43 वाले को 5 जोड़ दो तो 48 हो, तो 47 वाला जिनको जनता ने मैंडेट दिया वो सरकार नहीं बनाएगा, सरकार वो बनाएगा जिसको 43 प्लस 5 करके 48 कर दिया। क्या ये मैंडेट के साथ धोखा नहीं? क्या ये जमहूरियत के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या इस तरह की इजाजत डेमोक्रेसी देती है? इनकी मंशा ये है कि 5 लोग हम नॉमिनेट करेंगे,
फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है किसी बहुमत पार्टी को दावत दे, तो उसमें यकीनन पांच लोग जो चोरी के वोट हैं बैकडोर से, या पांच लोग जो नॉमिनेट होंगे वो मजारिटी को माइनॉरिटी में तब्दील कर लेंगे और माइनॉरिटी मजारिटी बन जाएगी। ये जम्मू कश्मीर की जनता के साथ होता है। पहले भी यहाँ दो महिलाएं नॉमिनेट होती थी, लेकिन जो सरकार बनती थी सरकार रिकमेंडेशन करती थी और गवर्नर जो है दो महिलाओं को नॉमिनेट करता था। इसलिए नॉमिनेशन का प्रोसेस और प्रोसीजर तो ये है कि जो सरकार हेल्प लेगी बनेगी, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनको पांच लोगों का या दो लोगों का निकाल नहीं होता था ना होना चाहिए, उसके बाद उनको वोटिंग राइट भी हो, उसके बाद उनके सारे अधिकार बराबर होंगे, होने के ही ये कानून में है। लेकिन गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अगर करेंगे ये एक मिसशीफ होगी, ये एक फ्रॉड होगा डेमोक्रेसी के साथ, ये चोरी होगी और ये हर तरीके से हर पैमाने से जो है वो गलत होगा। हमें ये समझाता है जिसका हम विरोध करते हैं कि ये गलत बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार ने इन खबरों की तर्दीद की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ गठजोड़ कर रही है। आज श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करने के दौरान इमरान नबी डार ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और आइंदा भी रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कैटेगोरिकली इन सारे रूमर्स को डिनाई करती है और मैं आपके जरिए से लोगों को बताना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इज कमिटेड टू इंडिया ब्लॉक अलायंस और जो हुकूमत बनेगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनेगी। बाकी ये रूमर मॉन्गरिंग जो है पिछले कई दिनों से चल रही है, ये उन लोगों का काम है जो इलेक्शन हार चुके हैं और जो अपनी डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसी वजह से थोड़ी मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन भी है उन लोगों में और इसी वजह से वो इन सब चीज़ों पर जो है अब बात कर रहे हैं। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के पास गए और कमिटेड और बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ वोट मांगे और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम रहम करम से नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हुकूमत बनाएगी 8 अक्टूबर। कल भी जो फारूक साहब पहलगाम गए थे तो उनको लेके भी काफी रूमर्स हुए कि उन्होंने मीटिंग वगैरह की। नहीं, ऐसा कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि ये आधे लोगों को जिसको आप अंग्रेजी वर्ड बोलते हैं वर्बल डायरिया होता है तो वो उसमें कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी मैं आपको पूरा मतलब एश्योरेंस देता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न कभी कोई बैक चैनल की है इन दिनों, न कभी इंशाल्लाह आगे करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है इंडिया ब्लॉक के साथ। जो वर्कर्स हैं वोटर्स हैं उनको कंफ्यूजन हो गया है इस चीज़? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये अननेसेसरी एक जो हाइप क्रिएट की जा रही है, देखिए कश्मीर में कुछ लोग कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो रूमर्स में बहुत महारत रखते हैं, लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि जैसे लोगों ने जो बीजेपी के प्रॉक्सीज इलेक्शन में थे उनको डिफीट किया और वैसे ही आज भी कश्मीरी लोग कश्मीरी कौम बहुत संजीदा कौम है और उनको मालूम है सच क्या है झूठ क्या है। खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर का बुरा वक्त पता लगाने के लिए आज श्रीनगर में एक कैंसर स्क्रीनिंग कैंप मुनाकिद किया गया। कैंप के दौरान खवातीन को मुफ्त तशखीस की गई। इस मौके पर मुंतजीन ने कहा कि कैंसर का बुरा वक्त पता लगाने से इस बीमारी का इलाज मुमकिन है और इसी मकसद से इस कैंप का अहतमाम किया गया था। अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, बेसिकली एक स्क्रीनिंग कम अवेयरनेस प्रोग्राम है इन द जनरल मैसेज। वी वांट टू एजुकेट द पीपल अबाउट कैंसर, इनका प्रिवेंशन कैसे, सेल्फ एग्जामिनेशन एक्सेट्रा, वैसी चीज़ें कर सकते हैं। Because there's a big rise in the number of cases that we see every day. So एक awareness हम चाहते हैं general public में हो। आजकल everybody is very health conscious and इसीलिए we have seen many patients since the morning. यहाँ पे तो सारे cancers mostly in the since the morning we have seen the patients who have already been diagnosed and there are certain patients who are not basically patients, वो screening के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। तो वो चाहते हैं कि देखें क्या क्या measures ले सकते हैं, किसी की family history positive होती है, किसी का कुछ रहा होता है वैसा, तो वो थोड़े होते हैं वैसे भी skeptical, तो वो आके यहाँ पे चेक करवाते हैं, देखते हैं कि उनका कितना रिस्क है अबाउट मेलिग्नेंसीज एंड ऑल, तो
उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं कि कैसे वो केयर कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज में कैसे स्प्रेड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन. दैट इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट टुडे. मैसेज यही है कि आप आइए यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे एग्जामिनेशन करवाइए अपना, देखिए अगर आप लोगों को कुछ हाई रिस्क फीचर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, कोई वैसी चीज़ें हैं तो आके हम यहाँ हमारे पास आइए, हम लोग आपका चेकअप करेंगे यहाँ पे, देखेंगे कोई मेजर्स तो नहीं, क्योंकि जितना अर्ली हम कैंसर डायग्नोज कर सकते हैं उतना बेटर उसका प्रोग्नोसिस होता है, उतना बेटर उसका ट्रीटमेंट हो सकता है. फिर जितना लेट, बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल वो नहीं अपना सिम्टम्स देखते ठीक से, वो इग्नोर करते हैं अपने सिम्टम्स को, तो द सूनर द बेटर, जितना जल्दी वो लोग अपना ये करवाएंगे उतना बेटर रहेगा. वही हमारा मैसेज है उनके लिए. हमने पहले यहाँ रखा है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कम स्क्रीनिंग कैंप, तो यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं हम उनको, हमारे यहाँ पर 7-8 ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, क्लिनिकल में वो सब कंसल्ट करेंगे, पेशेंट्स को कंसल्टेशन देंगे अकॉर्डिंगली, जो पेशेंट इसकी है उनको समझाएंगे कि स्क्रीनिंग कैसे करते हैं. सेल्फ ब्रेस्ट कैंसर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वो सिखाएंगे पेशेंट. CSK बहुत फ्रंट्स पे काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो वो जो गरीब लोग होते हैं उनको हम फ्री एंटी कैंसर ड्रग देते हैं. तो हमारा एवरेज तकरीबन होता है 35-36 lakh रुपीज़ पर मंथ. तो पिछले महीने हमने वी क्रॉस्ड 39, वी रीच टू 40 lakh पर मंथ हम एंटी कैंसर ड्रग्स देते हैं. तो ऑलमोस्ट जो भी पिछले कई सालों से मैंने देखा है, जो भी कश्मीर में डिजर्विंग पेशेंट्स हैं वो सारे उनको रेफर करते हैं डॉक्टर्स यहाँ पर, और हम उनको फ्री मेडिसिन देते हैं. चिनाब खित्ते के भद्रवा इलाके में फूलों की खेती का कारोबार रोज बरोज उरूज पकड़ता जा रहा है. इलाके के किसान मुख्तलिफ इकसाम के फूल उगाकर काफी आमदनी हासिल कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि नवरात्रि के त्यौहार के पेश नजर उनके कारोबार में काफी इजाफा हुआ है. हम पहले मक्खियां लगाते थे, तब हमें कोई भी नहीं मिलता था कुछ भी. जब से हमने ये फूल लगाने स्टार्ट किए तब से हमें बहुत कुछ फायदे मिल रहे हैं फूलों से. और जब ये नवरात्रे चल रहे हैं, इन नवरात्रों में हमने ये फूल रखे हैं. ये फूल है, डिमांड की है ना फूलों की, ये होते हैं जम्मू में भी, यहाँ की डिमांड ज़्यादा होती है, वहाँ पे वो कम बनते हैं, यहाँ पे ज़्यादा होते हैं इस टाइम फूल हमारे इधर भद्रवाह में. तो ये तभी हमने नवरात्रों के लिए रखे हैं और इस वक्त हम ये भेजेंगे नवरात्रों में. आज रेट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो अगर हमारे यहाँ ये फूल नहीं होता तो शायद ये जो हमारी जम्मू पूजा के लिए जो फूल लगता है तो उसकी पूर्ति ना होती अगर हमारे इस एरिया में फूल ना बनता. तो पिछले एक महीने से जो है थोड़ी सप्लाई कम कर देते हैं और नवरात्रा के लिए जो है ये फूलों की जो सप्लाई है उसको रखते हैं, ताकि वहाँ जो हमारी कंजम्पशन है जम्मू में मंदिरों में पूजा, काफ़ी पूजा पाठ होती है, बड़े फंक्शन होते हैं हमारे, तो वहाँ पर कमी ना हो और लोगों को रेट भी अच्छा मिले. डुमिट की तरफ से अच्छा, हमें ये फ्लोरिकल्चर वाले भी अच्छे सीड टाइम का दे रहे हैं, अच्छा हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, सारा सिस्टम ठीक ही है. नवरात्र में जैसे दिल्ली से आता, लेकिन वो दिल्ली वाला पहले लेट आएगा अभी, तो अभी हमारा ही चलता भद्रवाह का जो भी है इधर ही से चलता फूल. नवरात्रों के लिए अच्छा रेट भी अच्छा मिलता है लोगों को. फूल माता के चरणों में चढ़ रहा तो माता का भी आशीर्वाद है, उसके बाद ये फूल वहाँ पर भी चढ़े उनके चरणों में तो हमें भी खुशी की बात है, उसमें हमें भी बहुत फायदा हो रहा है, तो बाकी हमारा भी गुजारा हो रहा है लोगों का, बाकी कहीं भी नहीं है, यहाँ यहीं हमारे इलाके में ये फूल बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है. वालदेन से महरूम बच्चों को अपनी माजी के बारे में जानकारी फरहम करने के लिए आज जम्मू के वेद मंदिर बाल निकेतन के बच्चों को नमाइश घर ले जाया गया. इस प्रोग्राम के दौरान बच्चों को जम्मू कश्मीर के माजी के बारे में जानकारी फरहम की गई. आप देख लो, आप एक एक करके देखो. हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम्स है, हम लोगों ने एक स्पेशल कैलेंडर जो इशू किया हुआ है, जिसमें हम लोग अपनी जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, हमारी विरासत है, आर्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, या जो म्यूजियम्स के अंदर हमारी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उनको हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं. और कुछ हमारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जहाँ पर आप स्पेशल लेबल्ड बच्चे हैं, इनके स्कूल्स हैं, ये हमारे ऑर्फन्स हैं जो पढ़ते हैं, उन बच्चों को हमने पहले यहाँ पर हम फैसिलिटेट उनको कर रहे हैं उनकी विजिट्स को, ताकि ये बच्चे भी आ जाए, अपने कल्चरल, अपने रिच हेरिटेज को पहचाने, उनके अंदर सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, वो किस आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा बढ़े, ठीक है ना, और वो प्राउड फील करें.
और प्लस आने जो जो बाकी डिफरेंट कल्चर्स हैं उनको भी जाने, ताकि एक जो एक कंपोजिटनेस और कोहेसिवनेस उनके अंदर जो डेवलप हो और उनकी पर्सनैलिटी ऊपर के आ जाए। और इसके बाद से हम लोग जितने प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, एक्स सर्विसमैन मैन हैं, या हम लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इनके साथ भी हम लोग जो कन्वर्स करना चाहेंगे, ताकि हमारे टूरिस्ट सर्किट में भी हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, म्यूजियम्स हैं, वो आ जाएँ और इनको भी बढ़ावा मिले, लोग इनको आगे बढ़ चढ़ के देखें। ऐसी ट्राइब कितनी चलेगी? ये हर साल हमारा जो कैलेंडर इशू होता है, हमारे हेरिटेज, जैसे आपने देखो हेरिटेज वॉक्स है, हमारा अभी हेरिटेज वीक आने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर, उसमें भी स्पेशल एक्टिविटीज़ होंगी। और पूरे साल के अंदर, पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो कैलेंडर को हमने स्पेशली डिवाइज किया, ये देखते हुए कि बच्चों का एग्ज़ाम कब होते हैं, यहाँ प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स कब आते हैं, तो उन सब को देखते हुए हम लोगों ने ये प्लान किया हुआ है। और हम लोग इसको बकायदा अभी जो है इन्फॉर्मेशन को हम पब्लिश भी करेंगे, लोगों तक पहुँचाएँगे भी, और डिफरेंट जो एजेंसीज़ हैं उन तक भी पहुँचाएँगे कि हम डिपार्टमेंट ये फैसिलिट कर रहे हैं। अगर कोई माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए, या जम्मू में आता है, रघुनाथ टेम्पल देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें देखते हैं, बाहूपोर्ट जाता है, तो हमारा डोगरा आर्ट म्यूज़ियम भी आके देखे। यहाँ पर जो धरोहर पड़ी हैं, जो सारी चीज़ें पड़ी हैं, आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर पुराने पुराने ऐलान पड़े हुए हैं, शारदा स्क्रिप्ट के मैनुअल, जो मनुस्क्रिप्ट से हाथ से लिखी हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो गुरुमुखी से लिखी हुई सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, संस्कृत में लिखी हुई सारी चीज़ें पड़ी हुई, हमारे पास ये सारी चीज़ें धरोहर हैं, तो हम चाहते हैं लोगों तक पहुँचे, स्टूडेंट्स तक पहुँचे, रिसर्च स्कॉलर्स तक पहुँचे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक पहुँचे, इनके ऊपर रिसर्च हो और सब उभर के सारी चीज़ें आ जाए। जिला कुलगाम के एक ग्रेजुएट नौजवान ने खुद से रोजगार कमाने की कामयाब कोशिश की है। अनायतुल्ला शेख नामी इस जवान ने 2015 में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद चंद साल तक सरकारी नौकरी के लिए तंगो दो की, ताहम कामयाब न होने पर इसने खुद का एक ठेला लगाया। इससे इनायतुल्ला को भी अच्छी खासी आमदनी हासिल हो रही है। मैंने 2015 में ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है, इसके बाद मैंने आईटीआई किया है, फिर जब जॉब नहीं मिला तो मैंने सोचा है कि कोई ना कोई छोटा सा काम करो, तो फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दमहलांजी पूरा फार फ्लंग एरिया, यहाँ उतना रोज़गार नहीं मैसर होता है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत गुजारा होता है। घर में अभी कौन? मेरे घर में मेरी माँ बाप है, वो बूढ़े है, और एक भाई है, और मेरी बीवी है, और एक बच्चा। जी सर, 3 साल मैंने ये काम से, मैं 3 साल पहले ये शुरू किया है, तो उतना रोज़गार उतना मुझे नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। एक और भाई है आपका? एक और मेरा भाई है, वो भी पीजी के, उन्हें भी पीजी किया है, तो यहाँ पे उतना रोज़गार नहीं है सर। बेकार रहने से यही बेहतर है कि वो कोई ना कोई काम करे, ज़रूरी नहीं कि वो मसाला रोटी बेचे, और भी कोई काम करे, खुद अपनी टांगों पर खड़े हो जाए। जाने से पहले फिर से एक बार नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। मशरिकी लद्दाख में एलएसी के उस पार बुनियादी ढांचा हुआ है तामीर, हम भी रफ्तार रख रहे हैं बरकरार, हजाया के सरबरा का बयान। असेंबली में 5 नामजद इरकान को नामजद करने का हक एलजी के बजाय हुक्मरान पार्टी को दिया जाए, कांग्रेस का मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में बीजेपी से नहीं कर रही कोई राबता, पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार की वजाहत। कुलगाम के तालीम याफ्ता नौजवान ने सरकारी नौकरी के बजाय खुद रोजगार कमाने को दी तरजीह। आज की खबरों में बस इतना ही, कल शाम 6 बजे फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहे टेक वन।